70 की 70 सीटों पर हमने विचार विमर्श किया है। 62-63 जो सीटें हैं उन पर लगभग हमने सर्वानुमति बना ली। बाद अब हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। और जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो जाएगी उसके बाद एक साथ हम 70 के 70 उम्मीदवार आपके सामने ले आएंगे। मिशन 2017 संग्राम सवाल और सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और उत्तराखंड प्राइम में बात सबसे पहले इसी दिलचस्प मुद्दे की। चुनावी रणबेरी बच चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, हर ओर से जीत की हुंकार भरी जाना शुरू हो चुका है। बस अब इंतजार है तो सियासी योद्धाओं के ऐलान का। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने पत्ते खोलने को अभी तैयार नहीं, बल्कि शनिवार को कांग्रेस भाजपा के घर से कुछ सुगबुगाहट सुनाई दी, महसूस हुई। संगठन के कप्तान किशोर उपाध्याय ने ऐलान किया कि पहली लिस्ट कभी भी वोट पर टंग सकती है, हालांकि दूसरी लिस्ट के लिए अभी कवायद जारी है, मगर वो कवायद 7 सीटों पर ही सिमटी हुई बताई जा रही है। अब ये 7 सीटें कौन सी हैं ये आप कुछ ना कुछ तो समझ ही रहे होंगे। एक खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर ने अब कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रशांत किशोर कौन? प्रशांत किशोर जानने वाले, सियासत को समझने वाले इस नाम से वाकिफ हैं, लेकिन जो वाकिफ नहीं उनको बताएंगे कि प्रशांत किशोर से उम्मीद क्यों लगाई जा रही है कि कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए वो नैया पार लगा पाएंगे। दिखाएंगे आपको पहले मुद्दे में पूरी की पूरी दास्तान, जबकि दूसरा मुद्दा भाजपा के घर से जुड़ा हुआ है। भाजपा के कुछ सिटिंग विधायकों की रातों की नींद उड़ी हुई है, कुछ खलबली मची हुई है, आखिरकार क्यों? खबरें यह भी हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त पार्टी के ही कुछ दावेदार एक अजीब सा माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि उनके नामों पर कैंची चलने वाली है। क्या है यह माजरा? इंतजार करिए, क्या सर्वे वाकई में तोड़ेगा सपने, टिकट टेंशन और टकटकी। मगर सबसे पहले बात कांग्रेस के घर की, यानी कि मिशन 2017 संग्राम सवाल और सफलता। 70 की 70 सीटों पर हमने विचार विमर्श किया है। 62-63 जो सीटें हैं उन पर लगभग हमने सर्वानुमति बना ली। बाद अब हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो जाएगी उसके बाद एक साथ हम 70 के 70 उम्मीदवार आपके सामने ले आएंगे। तो संग्राम के लिए कांग्रेस तैयार है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से तैयार है? सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि दिल्ली में मंथन का दौर चला और मंथन में अमृत निकला या विष, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विष आखिरकार क्यों? कहने वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ खटपट की खबरें भी सामने आई, क्यों आखिरकार और किसके बीच में, वो आगे आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। लेकिन पहले जरा कांग्रेस की कसरत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि लगभग 62-63 सीटों पर सहमति बन चुकी है नामों को लेकर, लेकिन क्या वाकई में बन गई? ये एक अहम सवाल है। देखिए जरा, डेवलपमेंट ये हुआ कि हम लगभग 70 की 70 सीटों पर हमने विचार विमर्श किया है और लगभग 62-63 जो सीटें हैं उन पर लगभग हमने सर्वानुमति बना ली। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब मीडिया के सामने आए तो चेहरे पर मुस्कान ये जाहिर कर रही थी
कि दिल्ली में मंथन के दौरान चुनाव के नजरिए से पार्टी ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। खास तौर से टिकट को लेकर टेंशन से जूझ रही पार्टी ने माथापच्ची के बाद लगभग 70 सीटों में से 63 नामों पर सहमति बनाने की बात कही जा रही है। लगभग 62-63 जो सीटें हैं उन पर लगभग हमने सर्वानुमति बना ली है। बाद अब हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, वो संभवतः 9 या 10 तारीख में होगी। उससे पहले कोई भी ये नहीं कह सकता कि साहब मैं जो है कांग्रेस का उम्मीदवार। रण में अपने रणबांकुरों को जल्द से जल्द उतारने की बात कर रहे कांग्रेस संगठन का दावा है कि पार्टी इस बार एक मुश्त अपने सभी धुरंधरों को रण में उतारने जा रही है। बकायदा सीना ठोक कर दावे तो ये तक किए जा रहे हैं, किसी भी वक्त सूची पर मोहर लगने के बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पहली सूची 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच ही जारी होगी। हम सारे के सारे उम्मीदवारों की घोषणा ये नहीं करेंगे कि एक किस्त आज निकाल दी, एक किस्त फिर निकाल दी, ये नहीं, एक साथ करेंगे। और जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो जाएगी उसके बाद एक साथ हम 70 के 70 उम्मीदवार आपके सामने ले आएंगे। हम इस सारे मामलों में हम वेल इन हेड हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी तो अभी मेरे ख्याल से कहीं कुछ शुरू ही नहीं कर पाई है। हमारी घोषणा पत्र, लगभग हमारा घोषणा पत्र भी तैयार है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जो प्रचार प्रसार समिति है वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, उस पर भी हमारा विचार विमर्श काफ़ी हो गया है। और जैसे हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे उसके साथ साथ अपनी कंपेन कमेटी की भी घोषणा कर देंगे, क्योंकि कंपेन कमेटी भी एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय करने के साथ साथ पार्टी ने चुनाव लड़ने की रूपरेखा भी तय कर ली है। बकायदा पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया है उस रोड मैप पर अगर अमल हुआ तो पार्टी उत्तराखंड को फतेह करने के लिए 5 से 7 रैली सोनिया और राहुल की करवाएगी, जिसमें सोनिया गांधी चुनाव प्रचार के दौरान 2 रैलियां करेंगी, जबकि राहुल गांधी 3 से लेकर 5 रैली तक कर सकते हैं। राहुल गांधी जी का हमारा एक कार्यक्रम अल्मोड़ा में हो गया है, हम चाहते हैं कि यहाँ 2 कार्यक्रम हमने आग्रह किया है सोनिया गांधी जी से भी कि 2 उनकी मीटिंग हो जाएं यहाँ उत्तराखंड में। पहले भी वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आती रही और मैं तो 3 चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया टिहरी आकर के। और लगभग हम कोशिश करेंगे कि 5 जो मीटिंग्स हैं वो राहुल गांधी जी की उत्तराखंड में चुनाव के दौरान हो जाएं। इस चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव गुरु की सेवाएं भी लेने जा रही है। जी, पार्टी ने तय किया है कि प्रशांत किशोर के सहारे कांग्रेस की जमीन को बचाया जाए, इसलिए बकायदा दिल्ली से दिग्गजों के कुछ दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं और प्रशांत किशोर उत्तराखंड में भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ टिप्स देंगे। हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए एक कैटलिस्ट की भांति प्रशांत किशोर जी भी हमारी मदद करेंगे। वो वॉलेंटरली हमारी मदद के लिए आए हैं और उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम हायर और फायर वाले नहीं हैं, हम महात्मा गांधी जी की पार्टी हैं जो सेवा भाव से कार्य करती है। और खुशी की बात यह है कि जहां से महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई वो उसी धरती से और उसी प्रेरणा से काम भी कर। यानी साफ है कि कांग्रेस अपनी कसरत से खुश है, मगर सवाल ये कि 63 सीटों पर सहमति की बात करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय क्या यही संकेत दे रहे हैं
कि जिन 7 सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है, दरअसल उसकी वजह पीडीएफ है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ पवन दीक्षित, जैन टीवी, देहरादून। जी हाँ, 63 सीटों पर सहमति की बात यहां पर की जा रही है प्रत्याशियों के। वो संभावित प्रत्याशी कौन से हैं, वो आगे हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि आखिरकार कौन कौन से नाम इसमें लगभग तय हैं। इस वक्त राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें उत्तराखंड प्राइम के हम सवाल उठा देते हैं और फिर विधायक राजकुमार के पास हम रुख करेंगे कांग्रेस की ओर से। सवाल सबसे पहला ये कि 7 सीटों पर सस्पेंस की वजह क्या वाकई में पीडीएफ ही है? सवाल ये भी, किशोर हरीश के बीच पीडीएफ पर मतभेद की खबरें जो सामने आ रही हैं वो सही हैं? सवाल ये भी कि हरीश के खुद चुनाव लड़ने से कांग्रेस संगठन कुछ खफा है? सवाल ये भी कि प्रशांत किशोर से उत्तराखंड कांग्रेस को क्या लाभ होने वाला है? सवाल ये भी कि पहली सूची जारी करना क्या वाकई में फायदे का सौदा है? सबसे पहले सवाल ये भी। इस वक्त हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं, पहले राजकुमार साहब के पास रुख करेंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। पहले मुबारकबाद कबूल करिए सर। हाँ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। 9 वर्ष मुबारक आपको सर। 9 वर्ष के साथ साथ कांग्रेस संगठन ने गिफ्ट भी दे दिया आपको। कांग्रेस सिटिंग गेटिंग पुराना संगठन रहा है हमारा। सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लगातार कांग्रेस का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य करता है और जैसे आदेश होंगे उसको आगे देखा जाएगा, चलाया जाएगा। नहीं, आदेश तो अब मिल चुका है ना आपको कि अब चुनाव लड़ना है? ऐसा आदेश नहीं मिला है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो अवश्य मैं लड़ूंगा। पिछले बार मुझे टिकट दिया था मैंने। राजकुमार जी, क्या ईमानदारी के साथ सीट निकाल ली अपनी? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको संदेह है कि पार्टी टिकट नहीं दे सकती? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी नियमावली है और हमारी राज्य सोनिया जी है, जैसा पैनल बन के जाता है जो भी वो डिसाइड करती है मैडम, जो डिसाइड कर रही है वो हमें मान्य नहीं, तो हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन खबरें तो यही है कि दिल्ली में तय हो चुका है और आपका टिकट भी उसमें फाइनल हो चुका है। देखिए अभी बताया गया कि 50% के ऊपर सीटों का लगभग तय हो चुका है, लेकिन अभी कोई लिस्ट तब तक नहीं आती है तो हम कैसे बता देंगे तय हो गया क्या नहीं हुआ। नहीं 50% नहीं, इस हिसाब से तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं उस हिसाब से तो 90-92% जो है आप लोग नाम तय कर चुके हैं, जो उनका कहना है लगभग 62-63 नाम। नहीं वो दिक्कत नहीं है और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय कर चुके हैं तो इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं और सभी पैनल बन चुके हैं, हमारे प्रभारी आ चुके हैं, सह प्रभारी आ चुके हैं, लगभग 2 बैठकें भी हमारी हुई है तो मुझे ऐसा। लेकिन आपको लगता है कि अगर विधायकों को टिकट देने की बात पक्की ही थी, कम से कम सर्वे के आधार पर अगर चीजों को खंगाल लिया जाता तो बेहतर होता? लेकिन सर्वे भी हमने करवा लिया है तो लगभग करा रही है और कांग्रेस बहुत आगे चल रही है। और नहीं, ये तो सर्वे नहीं, सर्वे के आधार पर अगर चीजों की आप बात कर रहे हैं तो सर्वे के आधार पर टिकट विधायकों को नहीं दिया जा रहा, दरअसल वो वफा का इनाम है जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे, ऐसे में प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली कहानी है। ऐसा कुछ नहीं है, लगातार हमारे जितने विधायक गण जीत रहे हैं और अपने क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है और हमारा संगठन बहुत तेजी से हर क्षेत्र में काम कर रहा है तो जिसे भी तय करेंगे, जिसे भी टिकट हमारा हाईकमान देता है हम उसको मान्य होगा हमें और हम उसको चुनाव लड़ेंगे। नहीं आपको भी मालूम है सर। अच्छा चलिए एक बात चलते चलते मुझे समझा दीजिए, बता दीजिए, आप तो पार्टी के विधायक भी हैं और कांग्रेस संगठन के साथ जुड़े भी रहे लंबे वक्त तक, बतौर पार्षद भी आपने जो है काम किया अपने क्षेत्र में, आपकी सियासी सोच और समझ के हिसाब से हरीश रावती को चुनाव लड़ना चाहिए या लड़वाना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी है और हमारा आखिरी चुनाव नहीं लड़ेगा तो हम कैसे हरीश रावत जी जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे उसे इतनी आस पास की सीट है, वैसे ही जीतेंगे हम लोग, बहुत फर्क पड़ता है, मेहनती है, काम करते हैं रात दिन हर ब्लॉक जिले में जाकर शहर में जाकर विधानसभा में। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनको चुनाव किसी भी हाल में लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो फिर एक सीट से लड़ना चाहिए या 2 सीटों से लड़ना चाहिए? अब वो हाईकमान जाने देखिए जब तो फाइनल नहीं करता, लेकिन चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए। नहीं रणनीति के हिसाब से तो अगर वो 2 सीटों से चुनाव लड़े तो पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? 2 सीटों से भी चुनाव लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, 1 सीट से लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, लेकिन ये निर्णय हाईकमान का है, मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चुनाव जरूर लड़ना चाहिए उनको?
बिल्कुल लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, गढ़वाल से लड़ना चाहिए, कुमाऊं से लड़ना चाहिए? कहीं से भी लड़ेंगे वो जीतेंगे, चाहे गढ़वाल से लड़े वहां से जीतेंगे, कुमाऊं से लड़ेंगे वहां से जीतेंगे। अच्छा, हरिद्वार से लड़ना चाहिए, धारचूला से लड़ना चाहिए? अब गढ़वाल और कुमाऊं आपने जब पूछ लिया तो हरिद्वार और धारचूला क्यों पूछ रहे हैं, वो तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि तब कुमाऊं से लड़ेंगे तब जीतेंगे, गढ़वाल से लड़ेंगे तब जीतेंगे। तो ऐसे में विवाद को ही खत्म कर देते हैं ना, दो सीटों से चुनाव अगर लड़े आप सहमति जताएं कि हाँ ठीक है ये बहुत अच्छा सुझाव। सहमति से थोड़ी सब निर्णय हो जाएगा, हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, अगर एक विधायक अपनी ये बात रखता है तो फिर वो सुर्खियां बनती है ना सर। तो नहीं, वो अच्छी बात आप कह रहे हैं, वो सारी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ, कैसे निर्णय ले सकता हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपका सिर्फ यही कहना है कि उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, तभी तो लोग जुड़ेंगे, तभी तो कार्यकर्ता उत्साह बढ़ेगा, कार्यकर्ता आगे आएंगे और ताड़ तो परम सीटें जीतेंगे। लेकिन खबरें ये हैं कि संगठन ये चाहता है कि वो चुनाव ना लड़े, लड़वाए। ऐसा नहीं है, चुनाव भी लड़ेंगे लड़वाएंगे, उन्होंने पूरी मेहनत की है क्षेत्र में जाकर, गली जिले मोहल्ले में जाकर, ब्लॉक में जाकर। नहीं, वो कहते हैं जैसे खंडूरी जी का एक ध्यान एक सीट पर चला गया था, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि हरीश रावत जी अपना चुनाव लड़ने के चक्कर में जो बाकी की सीटें हैं उस पर ध्यान केंद्रित ना कर पाए। नहीं नहीं, आप देखिएगा पिछली बार भी जब हरीश रावत जी चुनाव लड़े थे लगातार जीते, दो एक बार गए अपनी विधानसभा में और लगातार चुनाव जीते हैं, ऐसे अब भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, पार्टी के विधायक जिन्होंने अपनी बात को अपने ही अंदाज से रखा। ये संभावित चेहरों की लिस्ट हमने आपके सामने रखी है, वो आगे भी आपको दिखाएंगे जो चेहरे सामने आ रहे हैं कि इनको टिकट देने का पार्टी ने फैसला किया है। फिलहाल अभी लिस्ट जारी नहीं हुई, ये संभावित चेहरे हैं, लेकिन यहां पर खबरें आ रही हैं कि संगठन और सरकार के बीच में टिकट के दौरान कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कुछ खबरें ये भी आई कि खटपट कुछ ज्यादा हो गई और विवाद इस कदर बढ़ा कि पार्टी ने यह तय करना अब जो है वो फिलहाल छोड़ दिया कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि हरीश रावत साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो फिर किस सीट से लड़ेंगे, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। देखिए जरा, शायद चुनावी घड़ी में भी कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई है। संगठन के मुखिया और सरकार के प्रमुख के रिश्तों में अब तक तलखी की खबरें आ रही हैं। पार्टी के सूत्रों की माने तो दिल्ली में आला नेताओं के सामने दोनों मुखियाओं के बीच में कड़वाहट की खबर है, जिसकी वजह पार्टी दावेदारों के नाम, उनकी सीटों के चयन और पीडीएफ को लेकर दोनों की अलग अलग राय इसकी प्रमुख वजह है। खबरें हैं कि दोनों के बीच में इस दौरान कुछ ज्यादा ही कड़वाहट हो चुकी है। ना राम लक्ष्मण का परहेज कर रहे हैं और ना लक्ष्मण राम का लिहाज। वैसे जब किशोर से इस विषय पर सवाल पूछे गए तो वो सवालों से बचते नजर आए। अरे भाई, ऐसा 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 है मित्र, अगर अगर खबरें उस तरह से नहीं आएंगी और आप नहीं लिखोगे तो लोग फिर अखबार भी नहीं पढ़ते हैं और फिर टेलीविजन भी नहीं, समाचार वो समाचार भी नहीं देखते हैं। समस्या ये है, तो वो हम ये सब आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सरकार प्रमुख चुनावी घड़ी में भी पीडीएफ को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, जबकि संगठन के प्रमुख को पीडीएफ फूटी आंख नहीं सुहाता। संगठन प्रमुख सियासत में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता के सिद्धांत को मानते हैं, जबकि सरकार के मुखिया हरीश रावत की राजपुतानी सोच है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। मगर किशोर के तेवर भी पीडीएफ को लेकर कुछ तल्ख दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग आए थे और उनका ये मत था कि जब उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया सरकार के समर्थन, सरकार से अपने क्षेत्रों में जो भी विकास के काम करवाए, तो टिकटों के बारे में भी उनका एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए और उस बारे में केंद्रीय नेतृत्व हरीश रावत जी में जब होगा तो उस पर विचार विमर्श करके जो भी होगा आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। मैं एक चीज़ को रिट्रेट कर रहा हूँ कि हम 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं।
पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली में बैठक के दौरान दोनों नेता इन्हीं कुछ मुद्दों पर आपस में उलझ भी पड़े। खबरें तो ये तक हैं कि हरीश रावत भी इस बार हरिद्वार की किसी सामान्य सीट से चुनावी ताल ठोकना चाहते हैं, ताकि हरिद्वार ग्रामीण पर दावा करने वाली अनुपमा रावत को कुछ मदद मिल सके। उधर खबर ये है कि संगठन के मुखिया किशोर उपाध्याय चाहते हैं कि हरीश रावत चुनाव ना लड़े, बल्कि वो पूरे राज्य में प्रचार की कमान संभाले और पार्टी के 70 के 70 उम्मीदवारों की जीत में मदद करें। इसके अलावा किशोर नहीं चाहते कि हरीश रावत पीडीएफ के प्रति चुनावी घड़ी में पुत्र मोह जैसा बर्ताव बरकरार रखें। दो लोगों के बारे में, पहले तो 70 के 70 के बारे में, ये प्रेरोगेटिव हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उनको लड़ना है नहीं लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, ये जो है सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी तय करेंगे और उनका जो आदेश होगा वो हम दोनों उनके कार्यकर्ता उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि उसमें ये कहना, ये अगर मैं ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी या आपका ये किशोर के नाम से तो मैं सबसे छोटा हुआ ना, आपका छोटा भाई, कि हम कहाँ से लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, तो ये जो हमारी CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, और उसके साथ में जो कांग्रेस अध्यक्ष जी का अधिकार है, उपाध्यक्ष जी का अधिकार है, मैं सीधे उसमें अतिक्रमण करूंगा और मेरी नौकरी आप खतरे में नहीं डालोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यानी साफ है कि सियासत में जैसा ऊपर से दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। ऐसे में चुनाव में कांग्रेस की हार और जीत के दो मुख्य किरदारों के बीच अगर थोड़ी सी भी कड़वाहट हुई या खटपट हुई तो फिर जीत का सपना सपना रह सकता है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ पवन दीक्षित, जैन टीवी, देहरादून। तो इन खबरों में कितना दम ये तो मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस के घर में चर्चाएं इस बात को लेकर ही कि 63 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन करने का दावा करने वाला संगठन क्या वाकई में पीडीएफ को लेकर अभी भी कशमकश में है, वो भी तब जब पीडीएफ अपना रुख साफ करने की बात कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ शूरवीर सिंह सजवाण भी जुड़े हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ चेयरमैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और टिकट के दावेदार भी हैं देवप्रयाग सीट से। सजवाण जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। जैन टीवी के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता। सर कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर दिल्ली से कुछ खबरें छन छन के आ रही हैं और बताया जा रहा है कि टिकट जो है, अगर जो आपकी तमन्ना है तो उस पर पानी फिर सकता है। सर कितनी इन अफवाहों में कितना दम है? देखिए ऐसा है, सूरजीत सिंह सजवाण कांग्रेस का बुनियाद का पत्थर है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी अभी दो बैठकों में ये स्वीकार किया कि ऐसे किसी शख्स को जिसने वर्षों वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की है जी, उस किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फिर ये इग्नोर करने की बातें कहां से आ रही कि आपको इग्नोर कर दिया गया? नहीं, क्यों नहीं, शंकाएं तो पहले से जताई जाती हैं। अच्छा। और कार्यकर्ताओं ने शंका जताई कि ऐसा कुछ होने की आशंका है। अच्छा। तो उनको ये जवाब मिला कि सूरवीर सिंह सजवाण हमारे पुराने साथी हैं और पुराने साथी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 63 सीटों में से 7 सीटें बची हुई हैं, वो 7 सीटें आपकी सीट में से भी एक सीट है? ये मुझे जानकारी नहीं है जी, किंतु जो भी इस पर भी जिन सीटों पर भी विवाद होता है उन सीटों को रोक लिया जाता है और फिर फिर सीट जिसके सामने डिस्कशन करने के बाद उनका निर्णय होता है। और मुझे लगता है कि ये पीडीएफ के लोगों के बारे में है। अच्छा। अभी जब एक विचार नहीं बना है तो इसलिए ये सीटें शायद वो सीटें ही हो सकती हैं। अच्छा, वो सीटें हो सकती है, यानी कि अगर किशोर जी अगर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं पीडीएफ को लेकर तो वो उनका जायज है वो कहना। देखिए ऐसा है, जो पिछले चुनाव में जिन व्यक्तियों ने कांग्रेस में रहते हुए
कांग्रेस की पीठ पर पूरा घोपा और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ गए, चाहे वो जीते हों चाहे वो हारे हों, उन व्यक्तियों के बारे में कभी भी गंभीर चिंतन इसके लिए नहीं हो सकता कि उनको एडजस्ट किया जाए। नहीं नहीं, एडजस्ट किया जाए यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद सरकार बनती है तो आपके सामने ये ऑफर आया कि आप जो है अभी चुनाव मत लड़िए, चुनाव के बाद आपको जो है अच्छा पद दे दिया जाएगा, आप यही बात कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि क्या क्या ऑफर आई और मैं ये भी नहीं कहता कि उनके साथ उनको उनको उनके टिकट कटे होंगे तो इन कारणों से काटे गए, उन कारण मैं उन कारणों को तो नहीं जानता जी। टिकट नहीं काटे जाने चाहिए, मैं तो उस समय भी कहा कि भाई मंत्री प्रसाद नेथानी देवप्रयाग से जब पिछला चुनाव लड़े थे तो उनका टिकट नहीं काटा जाना चाहिए, मैंने स्वयं कहा था कि नहीं काटा जाना चाहिए, पर किन लोगों ने किस शरारत पे वो टिकट काट दिया उसका और फिर उसको वहां जबरन टिकट दिया गया। नहीं नहीं, अब मेरे को ये बताइए ना, चलिए वो बात ठीक है, सारी बातें ठीक है, आप कुल मिलाकर ये बताइए कि नहीं नहीं आप कुल मिलाकर ये आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि पार्टी की ओर से आपको जो है सीधे तौर पर कह दिया गया है कि चुनाव अब मंत्री प्रधान नेथानी लड़ेंगे और आप भी इस बात के लिए राजी हो गए हैं। जिस दिन पार्टी मेरे कान में कुछ कहेगी उस दिन के बाद में उस शब्द का मैं उनको क्या जवाब देता हूँ, आपको क्या खुलासा करता हूँ, ये मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा, तो यानी आपको उम्मीद है अभी भी क्या कि टिकट मिलेगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। अच्छा, तो फिर नेथानी जी को पूरी उम्मीद है, लेकिन जो नेथानी जी को वजन दिया सीएम साहब ने होना ही चाहिए कि जितने पीडीएफ के लोग हैं या तो वो सब उनके लिए कायदा कानून एक होना चाहिए या तो सब के सब वो कांग्रेस के चुनाव निशान पर चुनाव लड़े या सब के सब निर्दलीय लड़े और मैं समझता हूँ पार्टी हाईकमान यही करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी बात को रखा। तो शुरू सजवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल हमने उन चेहरों से बात की, पहला चेहरा वो जिनका टिकट कंफर्म बताया जा रहा है, दूसरा चेहरा वो जिनका टिकट कट सकता है। दरअसल ये जो संभावित चेहरे हैं उनका जिक्र भी हम कर रहे हैं, किसको कहां कहां से टिकट मिल सकता है या जिनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, जिसमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो कि लगभग सभी वही चेहरे हैं जो सिटिंग विधायक इस वक्त मौजूदा वक्त में हैं, फिलहाल पार्टी ने उनके नाम पर सहमति जता दी है। आइए सर, अब आपको दिखाते हैं एक और दिलचस्प खबर इसी सियासी मुद्दे से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने अब कमान संभाल ली है, जल्द ही इसका असर अब कांग्रेस के प्रचार अभियान पर दिखने भी लगेगा। प्रशांत की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की खबरें भी हैं। खबर तो यह भी है कि पहले राउंड की बैठक भी हो चुकी है, अब सवाल यह कि आखिरकार प्रशांत किशोर उत्तराखंड तक कैसे पहुंचे। वैसे ये नाम सियासी गलियारों में जाना माना नाम है, मगर एक झलक अब आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर के सियासी कैरियर की, क्योंकि यहां मसला इसलिए खड़ा हो जाता है कि क्योंकि कई चुनावों में इस चेहरे ने अहम भूमिका निभाई है पर्दे के पीछे। देखिए जरा, साल 2016 में बिहार में महागठबंधन की महाजीत और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने अपना ध्यान पंजाब उत्तराखंड पर लगाया हुआ है। चुनावी बिसात पर इन दो जीतों ने प्रशांत किशोर को चुनाव प्रबंधक के तौर पर स्थापित कर दिया। चुनावी चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग में अहम भूमिका निभाई थी, जिनमें लोकसभा की लड़ाई के दौरान चाय पर चर्चा काफी पॉपुलर रही थी। हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए एक कैटलिस्ट की भांति प्रशांत किशोर जी भी हमारी मदद करेंगे, वो वॉलेंटरली हमारी मदद के लिए आए हैं और उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम हायर और फायर वाले नहीं हैं, हम महात्मा गांधी जी की पार्टी हैं जो सेवा भाव से कार्य करती है, और खुशी की बात यह है कि जहां से
महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई वो उसी धरती से और उसी प्रेरणा से काम भी कर। प्रशांत किशोर ने बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में एक स्वास्थ्य देखभाल यानी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में काम किया। उसके बाद यूनिसेफ के लिए उनके नाम की सिफारिश WHO के लिए की गई। इसी दौरान उन्होंने कई संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ काम किया। 4 में उन्होंने भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पर एक योजना आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा। उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिस वक्त गुजरात को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा था। उस वक्त रिपोर्ट में उन्होंने गुजरात को एक पिछड़ा हुआ राज्य बताकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो प्रशांत को नरेंद्र मोदी के साथ भी गुजरात में काम करने का मौका मिला। कहने वाले कहते हैं कि प्रशांत के काम से मोदी बेहद खुश थे। बस फिर वक्त आया 2014 का। ब्रांड प्रबंधन के लिए प्रशांत चयनित हुए और सामाजिक मीडिया के गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी प्रशांत ने अपने कंधों पर उठाई। प्रशांत कैग का शुभारंभ किया गया। लोकसभा की बम्पर जीत के बाद 2016 में प्रशांत बिहार की ओर मुड़े, क्योंकि 2016 में बिहार में चुनावी मेला नजदीक थी। प्रशांत और उनकी टीम मार्च में बिहार पहुंची और 2016 में जीत के लिए 2015 में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। हर घर दस्तक अभियान प्रशांत किशोर की दिमागी उपज थी। महागठबंधन की महाजीत का सेहरा भले ही नीतीश और लालू प्रसाद यादव के सिर सजा हो, मगर इस जीत के लिए नायक प्रशांत किशोर ही रहे। अब 2017 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, आचार संहिता भी लग चुकी है, लिहाजा किशोर ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया कि प्रशांत ने कांग्रेस को जिताने का बीड़ा उठाया है। तो यानी प्रशांत किशोर अब उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और कमान अपने हाथों में ले ली है। अब किस तरह से वो काम करते हैं उसकी झलक तो आपने देख ली, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस को क्या इस वक्त उनकी बेहद जरूरत महसूस हो रही है? इस वक्त हमारे साथ गरिमा जुड़ी हुई है, संगठन की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। गरिमा जी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। धन्यवाद तिलक जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैम कल तक तो किशोर उपाध्याय जी कहते थे कि दो बैलों की जोड़ी काफी है उत्तराखंड में काम करने के लिए, उत्तराखंड को सींचने के लिए, उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए। आज प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जितना एक से भले दो से भले तीन कहा जाता है, मोर द मेरियर, तो उसका उसी के देखते हुए और उनका काम देखते हुए अगर उनको लाया जाए, मुझे इसमें कोई गलत बात भी नहीं दिखती है। हर व्यक्ति हर पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से वो जीत की तरफ बढ़े, तो जीतने के लिए मुझे लगता है एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। लेकिन एक चीज मैडम, आपसे तरह का चुनाव 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 जो है लोकतंत्र का त्योहार होता है, एक तरह से लड़ाई ही समझिए। तो इसमें अगर हमने उनका सहारा लिया है, सपोर्ट लिया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। अब तक जो उन्होंने काम किया या उनके काम करने का तरीका सामने आया, उससे एक चीज तो झलकती है कि वहां पर उनको मौका मिला काम करने का। संगठन के तर्ज पर अगर हम कहानी को समझे तो चाहे वो बिहार के भीतर हो या फिर जो है मोदी साहब के साथ काम करने की बात, ऐसी स्थिति में उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर खबरें ये हैं कि सरकार और संगठन की सोच कुछ विषयों को लेकर अलग है, तो फिर ऐसे में काम करना उनके लिए आसान हो पाएगा? वो भी तब जब दिल्ली से इस चेहरे को आप लोगों के ऊपर जो है सीधा कमांड करने का यहाँ मौका मिल रहा है। देखिए तिलक जी, ये बात तो आप मानेंगे कि लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार होता है, और कोई भी समिति होती है या कोई भी संगठन होता है उसमें हर व्यक्ति अपनी राय रखता है और रखने का अधिकार भी होना चाहिए। पर लब्बो लबाब ये होता है कि आपका जो है वो एक मत आप होते हैं या नहीं होते हैं, और ज्यादातर बार आपने देखा होगा कि हम एक राय हो जाते हैं। अपनी अपनी राय रखना सभी का, मुझे लगता है अपने अपने कर्तव्यों का सब निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, बेहतर क्या हो सकता है? यहाँ सवाल ये खड़ा होता है ना कि उत्तराखंड कांग्रेस क्या सोचती है कि प्रशांत किशोर के आने से बेहतर क्या हो सकता है? आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा ना कि हम इसलिए जो अगर ये कोई शख्स पहुंच रहा है,
आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए, ठीक है इतिहास बताता है कि उनकी काबिलियत क्या है, लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि हमें यहाँ पर हम कमजोर हैं, यहाँ पर हमें मजबूती मिलेगी। देखिए प्रशांत किशोर जो है वो एक मार्केटिंग के आज की डेट में एक ब्रांड बनकर उभरे हैं और मार्केटिंग की ही हमारी पार्टी को इस समय जरूरत है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के बहुत कार्य किए, अपने जितना भी अल्पकाल उनको मिला विकास के आयाम खड़े किए, लेकिन उनकी मार्केटिंग करने के लिए अगर प्रशांत जी एक कैटलिस्ट का काम करते हैं तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती। अच्छा मतलब हरीश रावत जी किशोर उपाध्याय जी को गांव में अगर हमारी बातें पहुंचाई जाती हैं, हमारी योजनाएं, हमारी घोषणाएं, हमारी जो भी जनहितकारी घोषणाएं थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो भी कार्य थे उनकी अगर मार्केटिंग हो पाए तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गरिमा हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बात कही कि आखिरकार पार्टी ने सोच समझकर कदम उठाया प्रशांत किशोर के लिए, जो फैसला लिया गया है सीधे तौर पर पार्टी को इससे फायदा मिलेगा। चलिए अब वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर का असर इस चुनाव में क्या देखने को मिलता है, लेकिन सवाल ये अब बीजेपी का, जी हाँ कांग्रेस के घर की कहानी तो देख ली, अब बीजेपी उत्तराखंड प्राइम का आज का दूसरा मुद्दा है जहां पर सर्वे की चर्चाएं हैं। अब सवाल यही कि सर्वे तोड़ेगा सपना, लेकिन टिकट को लेकर क्या अफवाहों का दौर इस वक्त चरम पर चल रहा है, खासतौर पर सिटिंग विधायकों के क्षेत्र में अफवाहों की बात हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए बात अब इसी मुद्दे की, सर्वे तोड़ेगा सपना, टिकट, टेंशन और टकटकी। जी हां पार्टी के भीतर ये खबरें उड़ाई जा रही हैं या वाकई में इन अफवाहों में दम भी है, इस पर हम सियासी चर्चा करें, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड प्राइम के सवाल उठा लेते जल्दी से। सवाल सबसे पहला ये कि सिटिंग विधायकों के टिकट पर फॉर्मूले पर अमल कर रही है की सीट पर दिमाग तो वाकई में कई विधायक क्या वाकई में फेल भी साथ नरेंद्र साहब जुड़े हुए हैं की ओर से पार्टी के वजह बंसल साहब बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमने तो 63 नाम जो है लगभग तय कर लिए हैं और खबरें ये हैं कि लगभग सिटिंग विधायकों को ही वो टिकट दे रहे हैं, ये तो खैर पहले से ही तय था, लेकिन बीजेपी के घर में सर ये खबरें क्या उड़ रही है कि सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं और सर्वे के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव में जी डिफरेंट वे में फीडबैक लेती है जी, सर्वे भी उसमें एक माध्यम है जी, पार्टी ने सर्वे निश्चित रूप से कराया होगा, उस सर्वे में भी फीडबैक आया होगा जी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा परिवार बहुत बड़ा है जी, और उस परिवार के माध्यम से भी एक फीडबैक आता है जी, तो सारी चीजों को साथ में लेकर के मंथन करके संगठन के हित में, प्रदेश के हित में, पार्टी के हित में जो कुछ होता है वो पार्टी निर्णय लेती है। अभी कुछ विधायकों का हमने जिक्र किया यहाँ पर, बकायदा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, इसमें आप भी जो है इनकार नहीं करेंगे कि बकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है आपके विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में, जो दावेदार हैं वो इस बात को लेकर मुहिम चला रहे हैं कि हमारे विधायक की टिकट कट रही है और हम दावेदार हैं, ये होता भी आया हर विधानसभा चुनाव में, लेकिन चुफाल साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 2012 में जो हमने गलती की इस बार नहीं दोहरानी चाहिए और किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटना चाहिए। नहीं अभी ये तो सिटिंग विधायक कह सकते हैं, अभी संगठन का जो हाईकमान है वो विचार करेगा, सिटिंग की अगर किसी की बिल्कुल ही लग रहा है कि उसकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि जीत नहीं सकता, तो मैं समझता हूँ काटने में कोई हरज नहीं है, ये पार्टी को और हाईकमान को देखना है कि हमारी विजय के प्रति हम कितना आश्वस्त हैं और किस तरह आश्वस्त हो सकते हैं, यानी ये रणनीतिक विषय है जिसको पहले नहीं बताया जा सकता, इस पे जो भी रणनीतिक निर्णय होगा उसको अमल में लाया जाए, यानी हम ये मान लेना कि जरूरी नहीं है कि सिटिंग विधायकों का टिकट पक्का ही है, जरूरी कभी भी नहीं होता कुछ भी, जरूरी कभी भी नहीं, संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं के आधार पर जो भी कुछ बैठेगा कुल मिलाकर सरकार हमारी बने, हम जीत कर आए ये हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हाईकमान लेगा। लेकिन जैसे चुफाल साहब ने चिंता जताई कि हमने विधायकों के टिकट काट दिए तो फिर गुटबाजी हो, अंतरकलह हो, बगावत जैसी चीजें सामने आ सकती हैं, तो क्या उसके लिए पार्टी तैयार है?
सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। पार्टी हर प्रकार की रणनीति पर विचार करती है, जो अमल में लाती है उसके जो डैमेज कंट्रोल होता है उसका भी पार्टी ध्यान रखती है। क्या इस बात को लेकर भी आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि आपके विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में ये अफवाहें फैला कौन रहा है? क्या ये इसकी शिकायत भी आ रही होगी आप लोगों के पास? तो बिल्कुल, इस पर भी पार्टी का पूरी नजर है, पूरा ध्यान है और ऐसे तत्वों से भी सख्ती से निपटा जाए। अच्छा, चाहे वो जो है नए और पुराने चेहरे कोई भी हो। नया पुराने का तो हमारे सवाल ही नहीं है, जो हमारे घर में आ गया वो हमारा है, नया पुराना कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब नित नूतन चिर पुरातन। अच्छा अच्छा, तो यानी पौड़ी से आने वाली खबरों से आप लोग भी वाकिफ हैं, जो पौड़ी जो जिला है वहां से जो खबरें आ रही हैं उससे वाकिफ आप लोग भी हैं? हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हर जिले की सब खबरों से वाकिफ है। पार्टी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को या केंद्रीय नेतृत्व को पता ना हो। बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतना बता दिया कि कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। आइए जरा एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सियासत की कहानी को और गहराई से समझिए कि आखिरकार सर्वे और सर्वे से परेशान विधायक क्यों, देखिए। बीजेपी के घर में टिकट को लेकर एक अजीब सा शोर है। सर्वे के आधार पर टिकट के पक्का होने की बातें कही जा रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर अमल कर रही है, तो वहीं बीजेपी जिताऊ पर दांव लगाने की बात कर रही है। खबरें हैं कि पार्टी सर्वे के आधार पर अपने सिटिंग विधायकों के टिकट भी काट सकती है। वैसे इन खबरों को बड़े ही पैमाने पर गलत तरीके से वायरल भी किया जा रहा है और टिकट कटने की खबरें कुछ एक विधानसभा में तो बीजेपी के विधायकों का सिर दर्द भी बढ़ा रही है। चर्चाओं में सबसे ज्यादा अफवाहें जिन सीटों को लेकर उठाई जा रही है, आइए वो भी आपको बताते हैं। लैंसडाउन दिलीप सिंह रावत, यमकेश्वर विजय बर्थवाल, नरेंद्र नगर ओम गोपाल रावत, पुरोला मालचंद, चबट्टा खाल तीरथ सिंह रावत जैसे पार्टी के दिग्गजों के टिकट पर कैंची चलने की अफवाहें चरम पर हैं। पौड़ी गढ़वाल के भाजपा के तीनों विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, ये खबरें आम हैं। और इन सीटों पर जो प्रबल दावेदार है वो कुछ इस तरह के हैं। गढ़वाल की लैंसडाउन सीट से हरक सिंह रावत या उनकी पत्नी दीप्ति रावत के नाम की खबरें उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं चौबट्टा खाल सीट से सतपाल महाराज या उनकी पत्नी अमृता राव को बीजेपी में चेहरा बनाने का शोर है। जबकि अमकेश्वर सीट से भुवन चंद्र खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी को टिकट की प्रबल दावेदार बताकर माहौल को गर्म किया जा रहा है। जबकि नरेंद्र नगर से ओम गोपाल को झटका देकर सुबोध उनियाल को टिकट देने की चर्चाएं हैं। वैसे हालात ये हैं कि अब पार्टी के विधायक बकायदा गली गली सफाई देते फिर रहे हैं कि उनका टिकट नहीं कटने जा रहा है। सारी अफवाहें, ये विधानसभा हमारी परंपरागत है और मेरे पिताश्री 5 बार इसमें विधायक रहे हैं, मेरी माताजी 3 बार 4 बार यहाँ पे जो है जिला पंचायत सदस्य रही है, मैं खुद ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, मैं वर्तमान में विधायक हूँ निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ स्थानीय स्तर पे किसी ने भी अभी तक दावा नहीं किया है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमको मौका देगी और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मेंबर के रूप में जीत कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के रूप में ही काम करता हूँ और राजनीति में अभी कोई संभावना जिन बातों ने होना ही नहीं है उन बातों पे अभी चर्चा करना बेकार है। दिलीप सिंह रावत सरी के पार्टी के कई और विधायकों की विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही प्रचार चरम पर है। पार्टी के भीतर टिकट की चाह रखने वाले शोर मचा रहे हैं कि इस बार उनके विधायक का टिकट कटने जा रहा है और पार्टी के विधायक समझा रहे हैं कि ये दुष्प्रचार है और खुद को पार्टी का वफादार होने का सबूत दे रहे हैं। लोग अटकलें लगाते रहते हैं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है, वो किसको टिकट देंगे ये वही तय करेंगे और चुनाव में साफ नजर आने लग जाएगा कि किसको कौन वहाँ से विधायक होगा।
तो इस विषय पर हमें कुछ नहीं कहना। आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, मेरी दावेदारी तो पूरी तरह से मजबूत है, आप सब लोग इस विषय को जानते हैं और वो पूरी भी होगी निश्चित रूप से। इसमें मैं खूब समझता हूँ, पूरे प्रदेश में आजकल प्रत्येक विधानसभा में 10-10 5-5 2-2 4-4 कैंडिडेट है। मेरा टिकट पक्का होगा, क्यों नहीं होगा? मैं बीजेपी का हूँ, 3 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार चुनाव जीता हूँ, 1 बार टिकट कट गया, 150 वोट से हार गया, दोबारा पार्टी ने टिकट दिया, दोबारा जीता हूँ, पार्टी को मुसीबत आई, पार्टी के साथ खड़ा हुआ हूँ। और जब तक आज तक जब से भाजपा की सदस्यता ले कई इधर उधर झांकने की कोशिश नहीं की और न जीवन भर करेंगे। 2007 में टिकट काट दिया, तब भी कांग्रेस के दूसरे तीसरे पार्टियों के कई लोगों का लालच है, लेकिन मालचंद को कोई खरीद नहीं सकता, कि मेरी ईमान को कोई खरीद नहीं सकता, सिर्फ भाजपा कमल का फूल, इसके अलावा इधर उधर कहीं देखने की सोच भी नहीं है। तो भाजपा का भाजपा करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या वाकई में ये अफवाहें हैं या फिर पार्टी सिटिंग विधायकों की टिकट पर कैंची चलाने की सोच रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर टिकट पर खुद का कब्जा मान चुके कुछ विधायकों के लिए ये एक जोर का झटका होगा जो धीरे से लगेगा। कोटद्वार से अपने सहयोगी विकास वर्मा के साथ पवन दिक्कत। जी हाँ, टिकट टेंशन और टकटकी का दिलचस्प किस्सा यहां पर यह निकल के आता है कि विधायक अब ये बता रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले कि हमारा टिकट नहीं कटने जा रहा, हम तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, और ऐसे में गलत प्रचार किया जा रहा है। आखिरकार ये गलत प्रचार कर कौन रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस सियासी विषय को लेकर, अब वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से टिकट दिए जाते हैं, सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये आज ये परंपरा आज नहीं है, इससे पहले भी जितनी बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका भी एक बड़ा अहम रोल इसमें होता है, कि जो निष्पक्ष काम करता है, निष्पक्ष अपनी राय देता है। और रजभट जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, न कि हारने के लिए। आज जो सर्वे होगा कि आज की डेट में उस प्रत्याशी की, उस विधायक की क्या स्थिति है, और पार्टी उसके आधार पर टिकट देगी। जिसको भी टिकट देगी वो कार्यकर्ता जनाधार का हो, धरातल का हो, जिम्मेदार हो। और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कार्य प्रणाली है, जिस प्रकार से टिकट वितरण का तरीका है, उसमें अच्छे कार्यकर्ताओं को ही आगे देख किया जाएगा, और किसी प्रकार का इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और हर बार जो भी हमारे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी होते हैं, उनके बारे में कार्यकर्ताओं का फीडबैक, आम जनता का फीडबैक, समाज के जो हमारे की वोटर्स हैं उनका फीडबैक, और अन्य एजेंसियों से फीडबैक लिया जाता है, और उसके बाद निर्णय किया जाता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, ये हमारी एक रेगुलर रूटीन प्रक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ राजकुमार ठुकरा साहब जुड़े हुए हैं, रुद्रपुर विधायक भी हैं। ठुकरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। सर, सुनने में आया कि पार्टी ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर टिकट देने जा रही है पार्टी, और सर्वे में कुछ विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, और अजय भट्ट कह रहे हैं कि हम तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम बहुत संभाल के रखेगी। हम जैसे विधायकों को हमारी पार्टी ने तैयार किया है। आज राजकुमार टंगाल के नाम के अगर विधायक लगा है तो सिर्फ मेरा श्रेष्ठ संगठन भारतीय जनता पार्टी, मैं उसका सदस्य हूँ, मेरे लिए अहोभाग्य। देश की सबसे ईमानदार पार्टी और जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिल रहा है। खाली विधायक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि हमको राज्यसभा के अंदर मोदी जी को इस पर ताकत मिल सके। कुछ भारतीय जनता पार्टी से संगठन हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, ऐसे में चुपाल साहब कह रहे थे कि किसी सिटिंग विधायक का टिकट कटना नहीं चाहिए, 2012 में हमने गलती की थी, वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए, तो आप इस बात से सहमत नहीं है? मतलब देखो, मेरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, मेरा नेतृत्व जो करेगा सोच समझ कर करेगा, और आदरणीय बिशन सिंह चुपाल जी की बातों से मैं सहमत हूँ कि पिछली बार कुछ लोगों के टिकट कटे तो ऐसी खटास पैदा होगी, हम लोग एक वोट से, हम लोग सरकार बनाने से वंचित रह गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बहुत संभाल के चल रही है, आपके हर चैनल सर्वे बता रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में कमल का फूल खिल रहा है,
हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी सोच समझ के करेगी, और जो व्यक्ति पापी होता है पापी का टिकट कहीं से कहीं तक बच नहीं सकता। जिसका अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, देखो हर नेता की दो माँ होती है, एक माँ हमारी वो जिसने पैदा किया, हमारे जीवन में कामयाबी में हमारी माँ का योगदान है, दूसरा हमारी राजनीतिक माँ हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमको राजनीतिक जन्म दिया। आज समाज के अंदर हमारी पहचान है तो हमारी भाजपा हमारी राजनीतिक माता की वजह से हमारी पहचान है, और बीजेपी का मेंबर होना मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, आप ऐसा बोल रहे थे, मेरे को लगा कि शायद जो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं वो आपकी बातों से कुछ खफा ना हो जाए। खैर मैं उस विषय में नहीं जा रहा, जो लोग शामिल हुए उनका भी स्वागत है ना। हाँ, फाइनल स्टेटमेंट आपका, कुछ खबरें उड़ाई जा रही हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बकायदा जो आपके सिटिंग विधायक हैं इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं कि उनके टिकट काटे जा रहे हैं, इस तरह की खबरें अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा? एक भी मेंबर परेशान नहीं है, कोई विधायक परेशान नहीं है। नहीं, हमने सुनाया उनको बकायदा, सर हमने बकायदा दर्शकों को सुनाया कि वो बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो मैंने कहा आपके क्षेत्र में तो नहीं फैलाई जा रही ना इस तरह की अफवाहें। नहीं, हमारे यहाँ जो विरोधी तंत्र है, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनका अफवाह तंत्र बहुत मजबूत है। अगर वो अफवाह उड़ाते हम परवाह नहीं है, वो अफवाह उड़ाने वालों ने पिछली बार हार का सबक ले लिया, इस बार भी मेरी भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर विधानसभा जीतेगी। आस पड़ोस की सीटें, किच्छा जैसी सीटें, आस पड़ोस की सब सीटें बीजेपी जीतेगी। पिछली बार 9 में से 7 जीते थे, इस बार भी 9 में से 8 या 7 जीतेंगे। किच्छा में भी कुछ ऐसा ही शोर आ रहा है ना, किच्छा में भी कुछ ऐसा ही शोर सुनाई देता है, और गदरपुर में भी ऐसा ही शोर सुनाई देता है कि विधायक जी का टिकट कटने वाला है। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं, 70 में से 47 सीटें आएंगी, वो उधम सिंह नगर की 7 उसमें शामिल होंगी। अच्छा अच्छा, विधायक सिटिंग विधायक हो या ना हो, ये सिटिंग विधायक, मैंने आपको कहा ना, जिस व्यक्ति ने पाप किया होगा उसका टिकट कटेगा। जिन लोगों ने बीजेपी के साथ बुरा व्यवहार किया, 3 विधायकों ने, आज वो कहां खड़े हैं, उनकी क्या हैसियत है उत्तराखंड राज्य में? कांग्रेस वाले कहते हैं 10 विधायक देख लो, आप 3 कहते हैं, कांग्रेस वाले 10 दिखा देते हैं। चलिए हमारे पास तो 10 कांग्रेस से आए ना, हमारे 3 विधायकों ने गद्दारी की, तीनों का समाज में क्या हैसियत है? नहीं वही कह रहा हूँ ना, कांग्रेस वाले कहते हैं कि वो तो लोकतंत्र की आवाज पर आया ना। लोकतंत्र उनका अंतरात्मा की आवाज पर, ठुकरा साहब अंतरात्मा की आवाज पर आए थे वो। हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठुकरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए सर, कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, अब कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है बीजेपी के घर के इस हालात को लेकर, देखिए जरा। जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, एक बार में उनके वो वैचारिक गुरु होते थे, तो उन्होंने जिन्होंने एक बार कहा था कि अटल जी एक मुखौटा है, याद है आपको, तो उन्होंने तो उन तक को धक्का दे दिया, तो वो कब क्या कर लें अपने निजी फायदे के लिए, तो उसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं ये उनका अपना मामला है। वहाँ टिकट कटने के और कारण होते हैं, क्योंकि मूलतः जो है वो सरमाएदारों की पार्टी है, तो जो जितना बड़ा सरमाएदार ज़्यादा वजन रख लेता है उस इस तरफ जो है वो तराजू झुक जाता है। का अपना अंदरूना मामला है, इसमें हमको कहीं नहीं कहना है कि सर्वे तो उनका बिहार में भी हुआ था, सर्वे उनका दिल्ली भी हुआ था, मुंह की खानी पड़ी थी, आपको मालूम होगा कि किस तरह से उन्होंने ये दिखाया था कि हम सर्वे में इतनी सीटें आ रहे हैं, इतनी आ रही हैं, ऐसे ही झूठा अभी भी सर्वे करवा रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में, पर यहाँ उत्तराखंड के लोग जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, यहाँ पर लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, उसका बदला चुका करके यहाँ की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही। भाजपा में यदि आप कांग्रेस से भाजपा की तुलना करें तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई, आप तो प्रत्यक्ष की बात करें तो मैं तो उनकी लीडरशिप में भी कोई दम नहीं समझता हूँ। आज अनेकों दावेदार मुख्यमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी में दावा कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, अब ऐसे में मैं समझता हूँ कि वो जो भी निर्णय है, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी इस बात पे कोई जान है सर्वे किया उसकी, क्योंकि उनके पास तो लीडरशिप की बहुत भारी कमी है। फिलहाल कांग्रेस नेताओं की अपनी सोच अपना नजरिया, सवाल यहां पर अटल पर उठाए जाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि एनडी तिवारी साहब को लेकर अब कांग्रेस का नजरिया बदल गया है।
खैर यह सियासत है। इस रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहे हैं, जहां पर अब राजनीति के जानकार बताएंगे कि टिकट अगर वाकई में सिटिंग विधायकों के कटते हैं तो यह सियासी नफा है या फिर नुकसान। इस रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यात्राओं के साथ साथ सर्वे कराए जा रहे हैं और सर्वे के आधार पर टिकट पाने वालों की तकदीर भी तय हो रही है। बीजेपी के घर से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पार्टी अब तक 2 सर्वे करा चुकी है और कई सीटों पर उसने टिकट के लिए चेहरे का चुनाव भी कर लिया है। खबरें चर्चाओं की कहानी बनी हुई है, उनमें ये कहा जा रहा है कि पार्टी कई सिटिंग विधायकों के इस बार भी टिकट पाने के सपने को तोड़ सकती है, यानी सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि साल 2012 के चुनावों में जहां पार्टी ने अपने 8 सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर उन्हें झटका दे दिया था, वहीं इन चुनावों में पार्टी ये संख्या बढ़ा सकती है। छन-छन कर आ रही खबरों की माने तो इस बार पार्टी कम से कम अपने 10 सिटिंग विधायकों का टिकट छीन कर उनकी जगह किसी और को टिकट का प्रसाद दे सकती है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होता है केवल सत्ताधारी दल के लिए ही नहीं होता, वो सारे विधायकों के लिए होता है। तो चाहे विधायक सत्ताधारी दल के हों चाहे अपोजिशन के भी हों, यहाँ का जो अभी तक जो रिकॉर्ड है वो लगभग 60% विधायक हार जाते हैं और 80% जो मंत्री होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं, वो लगभग वही रहा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर काफ़ी काम करता है। इसी वजह से पिछले चुनाव में खंडूड़ी जी ने 7-8 लोगों के टिकट काट दिए थे जिनकी संभावना नहीं थी और उसका फायदा भी उनको मिला था। ये हुआ था, ये फॉर्मूला था वहाँ का, दिग्विजय सिंह का उस समय हुआ था मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी पहले सर्वे कराया था, कई लोगों के टिकट काट दिए थे, फिर दोबारा वो सत्ता में आ गए थे। वही चीज़ खंडूड़ी जी ने रिपीट की और भले वो जीत तो नहीं पाए, बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन उसका उनको फायदा हुआ था। तो बहुत संभव है वही वाला फॉर्मूला इस बार बीजेपी अप्लाई कर। खबरें तो ये तक हैं कि इन सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें पार्टी के कई बड़े चेहरे भी फिसड्डी साबित हो रही हैं। बहरहाल अंदर खाने से आ रही खबरों में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, लेकिन पार्टी सूत्रों पर यकीन करें तो बागियों की विधानसभा क्षेत्रों की तलाश के लिए भी सर्वे में कई सुझाव सामने आए हैं। वैसे खबरें बीजेपी के कुछ सिटिंग विधायकों के लिए रातों की नींद उड़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि सोचा तो था कि अगली बार भी विधायक बनने के लिए खुद के नाम के आगे कमल का निशान लगवाएंगे, लेकिन अब तो वो निशान गायब होने की खबरें हैं।